नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे। और अब आप बढ़िया तो हो ही सही, बढ़िया के साथ साथ बहुत सारे मुसीबत में भी होंगे। कई तरह की मुसीबत होती है, लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी नई भर्ती 4438 राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सितंबर में इसके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। और जब सितंबर में इसके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, तो उसके बाद जो परीक्षा है, ये परीक्षा संभवतः दिसंबर जनवरी में आपका एग्ज़ाम होने के चांस हो सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये वैकेंसी लगभग इसी समय इसका एंड हो जाएगा। आप सभी प्रिय छात्रों से मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली पुलिस भर्ती में जो गलती करी है, वो गलती अब अपन को नहीं करना है, और अपन को इस गलती से सबक लेना है। और अपन को ध्यान किस किस पे रखना है, इस चीज़ को, नंबर एक और नंबर दो और नंबर तीन, कितने भी अंक का मैटर हो, कितने भी अंक की परीक्षा हो, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ आपको याद रखनी है और सबसे अच्छी तैयारी जो आपको करनी है, पहला टॉपिक महिला बाल अपराध, ये आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरा, कंप्यूटर भी आपका क्लियर होना चाहिए। और नंबर तीसरा, आपका साइंस का पार्ट यानी कि विज्ञान का पार्ट भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये महिला बाल अपराध, कंप्यूटर और विज्ञान, ये तीनों ही सिलेक्शन का आधार बनेगा। अब वो समय नहीं है कि 2015 के पहले या 2018 के पहले जो भर्तियां होती थी उसमें मेंटल मैथ का जो ए पार्ट है उसमें बच्चे फेल हो जाते थे, अब वो नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर मैं किसी विषय के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये तीनों विषय आपके कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। अन्य विषय के साथ साथ ये आपको ध्यान रखना है प्रिय छात्रों। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे, अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। मेरी दृष्टि से ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आधुनिक राजस्थान के इतिहास में, और टॉपिक का नाम है किसान आंदोलन। क्या है बच्चों? किसान आंदोलन। अब मैं बात कर लेता हूं कि किसान आंदोलन आखिरकार क्यों है, क्या जरूरत पड़ी किसानों को आंदोलन करने की, तो मैं आपको बता दूं, बढ़ते हुए करों के विरुद्ध, बढ़ते हुए टैक्सों के विरुद्ध आंदोलन किए गए थे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में सबसे पहला जो किसान आंदोलन माना जाता है, वो माना जाता है, वैसे तो बिजोलिया का नाम आता है, लेकिन अगर ऑप्शन में वो नहीं हो तो एक किसान आंदोलन आपको याद रखना है, जाट किसान आंदोलन। और जाट किसान आंदोलन ये हुआ था 1880 में, और यहाँ पर किसानों ने बढ़ते हुए करों के विरुद्ध आंदोलन किया था। और इसका संबंध जो है वो मेवाड़ के मात्र कुंडिया नामक स्थान से जोड़ते हैं। तो मेवाड़ के मात्र कुंडिया नामक स्थान से यानी जाट किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और ये 1880 में चला था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 99% तो बिजोलिया ही ऑप्शन में आता है, लेकिन जब बिजोलिया ऑप्शन में नहीं है और क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में पहला किसान आंदोलन कौन सा है, तो आपको जाट किसान आंदोलन टिक लगा देना है। अगर ये भी ऑप्शन में है और बिजोलिया किसान आंदोलन भी ऑप्शन में है, लेकिन वहां क्वेश्चन का तरीका अलग होगा, और जब क्वेश्चन का तरीका अलग हुआ उस कंडीशन में भी बिजोलिया किसान आंदोलन ही जाएगा। अब मैं इसी कड़ी में आगे की ओर बढ़ता हूं और एक आपके सामने एक आंदोलन लिखने जा रहा हूं, और इस आंदोलन का नाम है, प्यारे छात्रों, बिजोलिया किसान आंदोलन। ध्यान से सुनना,
बिजोलिया किसान आंदोलन। देखो सबसे पहले आप राजस्थान के इतिहास में बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चा आप करते हो। मैं मानता हूं कि ये राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन माना जाता है जो सफल आंदोलन भी हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात मैं बात कर लेता हूं कि बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है, वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिजोलिया वर्तमान में कहां पड़ता है, तो वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है। बिजोलिया में उस समय, यानी जिस समय आंदोलन, उस समय 84 प्रकार के कर लगाए जाते थे, 84 प्रकार के कर, इनके विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था, इनके विरुद्ध आंदोलन हुआ था ये बिजोलिया किसान आंदोलन। 84 प्रकार के कर लगाए जाते थे, उनके विरुद्ध ये आंदोलन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात रखना है कि बिजोलिया का प्राचीन नाम, ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, बिजोलिया का प्राचीन नाम बताइए आप, आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने कि बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो बिजोलिया का प्राचीन नाम था विजयावल्ली, ये भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं, बिजोलिया का प्राचीन नाम था विजयावल्ली। अब मैं बात करता हूं कि आखिरकार बिजोलिया किसान आंदोलन तुम लोग पढ़ने जा रहे हो तो बिजोलिया के बारे में तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। देखो बिजोलिया मेवाड़ के प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, ठिकाना था बिजोलिया मेवाड़ के प्रथम श्रेणी का जागरी ठिकाना था, है ना, ये याद रखना आपको, जागरी ठिकाना। दूसरी बात आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि बिजोलिया ठिकाने की स्थापना, बिजोलिया ठिकाने की स्थापना, बिजोलिया ठिकाने की स्थापना अशोक परमार ने की थी। किसने की थी? अशोक परमार। अब आपके सामने ये समस्या फंस गई कि साहब ये अशोक परमार कौन है? ये अशोक परमार जगनेर का निवासी था, जगनेर का, जगनेर यूपी का, सांगा का साथ देने आया था, सांगा का साथ किसमें दिया था? 1527 में खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में अशोक परमार सांगा का साथ देने आया था और सांगा ने उसकी बहादुरी से, उसके योगदान से खुश होकर इस अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर दी थी। और इसी ऊपर माल की जागीर बिजोलिया और भैंसरोड़गढ़, बिजोलिया और भैंसरोड़गढ़ के मध्य का जो भाग है वो ऊपर माल की जागीर कहलाता है। और इसी ऊपर माल की जागीर पर अशोक परमार ने बिजोलिया ठिकाना बसाया था। बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे हो, वर्तमान में भीलवाड़ा में निवास करता है, ये आपको पता चल चुका है। बिजोलिया ठिकाने की स्थापना अशोक परमार ने की थी। अशोक परमार जगनेर यूपी का रहने वाला था, सांगा का साथ देने आया था 1517 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में। सांगा ने इसकी बहादुरी से प्रेरित होकर, इसके योगदान से प्रेरित होकर इसे राजस्थान में मेवाड़ रियासत का एक भाग दिया था जिसका नाम था ऊपर माल की जागीर। और इसी ऊपर माल की जागीर पर इसने बिजोलिया ठिकाना बसाया था। आगे चलकर राजस्थान में वहां से एक सफल आंदोलन की शुरुआत की गई थी जिसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। साथियों क्या नाम है? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो ये आपको ध्यान रखना है, 84 प्रकार के कर लगाए जाते थे, जैसे लाग बाग बेगार कर, ऐसे बहुत सारे कर थे। बेगार कर के बारे में आप लोगों को बता देता हूं, आपने किसी व्यक्ति को काम करने के लिए बुला लिया, आपने उससे कहा कि भाई फलाने व्यक्ति मेरे पास आ और तुझे 10 गड्ढे खोदने हैं, और 10 गड्ढे खोदने के बाद में 10 वृक्ष लगाने हैं,
उस आदमी ने सुबह से लगाकर शाम तक 10 गड्ढे खोदे, आपने वृक्ष भी लगा दिए। वो आदमी जब गड्ढे खोद रहा था, उसके दिमाग में चल रहा था मुझे 20 रुपए का आटा लेना है, 10 रुपए की सब्जी लेनी है, 5 रुपए का बच्चों के लिए कुछ ले जाना है। जैसे ही वो अपने 10 गड्ढे खोदकर आपके सामने आएगा कि साहब मुझे 200 रुपए दे दो, जो आपने कहा था कि मैं 200 रुपए दे दूंगा, मेरे 200 रुपए दीजिए साहब। आपने उससे कहा कि तूने गड्ढे खोदे यहां खोदे हैं, उनमें वृक्ष लगाए हैं, यहां लगाए हैं, उन वृक्षों की हवा तू भी लेगा और मैं भी लूंगा, तो फिर काय के पैसे। यानी कुल मिला के कह सकते हो व्यक्ति ने मेहनत करी थी, उस मेहनत के बदले उसे मेहनतनामा नहीं मिला, वो कर कहलाता है बेगार कर। यहां पर किसानों के साथ यही हो रहा था कि उसे मेहनत के बदले मेहनतनामा नहीं मिल रहा था, और ऐसे करों को कहा जाता है बेगार कर कहा जाता है। क्या कर कहा? बेगार कर कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। बात करता हूं मैं उसी क्रम में बिजोलिया किसान आंदोलन की। प्यारे छात्रों, बिजोलिया किसान आंदोलन आप पढ़ते रहो, मेरे साथ बने रहो। श्रीजी क्लासेज की पूरी टीम पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्जामों में यानी कि आपका सिलेक्शन करवाकर ही पीछे हटेगी। मेरा सभी विद्यार्थियों को संदेश है, कि देखो कोरोना काल से हम आपके साथ लगे हुए हैं। 10-15 दिन थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से हम उपस्थित नहीं हो पाए, थोड़ी बरसात की वजह से थोड़ी परेशानी भी थी, इस वजह से नहीं आ पाए। जो लोग कहते हैं आपसे कि दिन रात हम आपके साथ खड़े होते हैं, वो दिन रात डबल डबल मेहनत करने वाले लोग वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे जब लोगों के बीच ये बात आती है कि बच्चों को कोरोना काल में भी पढ़ाया जाए, तो लोगों का जवाब आता है कि अगर उनको पढ़ा देंगे अपन पूरा ही ऑनलाइन दिखा देंगे तो अपने पास बचेगा ही क्या। ये बात कहना उचित नहीं मानता हूं मैं, अनुचित मानता हूं। विद्यार्थियों, प्यारे छात्रों, देखो मैटर अपरंपार होता है, मैटर की कमी नहीं होती है। छात्र को कितना ही पढ़ाओ फिर भी मैटर खत्म नहीं होगा, लेकिन जिन व्यक्तियों के पास सीमित मैटर है, एक एक किताबें बना रखी, छोटी छोटी किताबें हैं, उनमें से करवा देते हैं, वो लोग तो यही आप लोगों से बोलेंगे। और जब वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी वो घोंसलों से बाहर निकलकर आपके सामने बड़े बड़े वादे करने के लिए आ जाएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं पुनः स्टार्ट हो चुका हूं, और अब मैं स्टार्ट हूं तो स्टार्ट ही रहूंगा। तबीयत के कारण थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से मैं आपके सामने 10-15 दिन के गैप में आ रहा हूँ, है ना। तो सभी छात्रों से मैं इसके लिए समय याचना चाहता हूँ। देखो बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, और बिजोलिया किसान आंदोलन को अपन डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। देखो बिजोलिया किसान आंदोलन धाकड़ जाति के द्वारा किया गया। अब आप समझते हो कि बिजोलिया में ज्यादातर कौन थे, धाकड़ थे, और बढ़ते हुए करों के विरुद्ध धाकड़ जाति ने एकत्रित होकर ये निर्णय लिया कि हम टैक्स नहीं देंगे, हम लगान नहीं देंगे, हम उपज का आधा भाग लगान के रूप में नहीं देंगे। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो बिजोलिया था ना, बिजोलिया ये खुद बिजोलिया ही 83 गांवों का समूह था। बिजोलिया 83 गांवों का समूह था, और 83 गांवों के समूह में 84 कर लगाए जाते थे। 84 करों के विरुद्ध यह आंदोलन, कितने करों के विरुद्ध, 84 करों के विरुद्ध यह आंदोलन किया गया था, बिजोलिया किसान आंदोलन। आखिरकार इस आंदोलन की जो आहट है, या आखिरकार सभी धाकड़ जाति के व्यक्तियों ने आखिरकार अपना सीना कलडा किया, अपने आप को मजबूत किया, और मजबूत करने के बाद 1897 में, ध्यान से सुना, 1897 में गिरधारीपुरा गांव में एक किसान के मृत्यु भोज के समय ये लोग एकत्रित हुए। 1897 में गिरधारीपुरा गांव, वही बिजोलिया भीलवाड़ा का गांव था, यह इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होकर दो गांवों के सरपंचों या पंचों को, जिनका नाम था नानजी व ठाकरी पटेल, नानजी व ठाकरी पटेल को आगे बुलाया और इन दोनों से कहा कि तुम जाओ और मेवाड़ के
महाराणा से मिलकर आओ और मेवाड़ के महाराणा से बोल के आओ कि हम उपज का आधा हिस्सा नहीं देंगे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की जो पहली गूंज थी, ये गिरधारीपुरा गांव में धाकड़ों ने एक किसान की मृत्यु भोज के समय एकत्रित होकर नानजी व ठाकरे पटेल के नेतृत्व में ये निश्चित किया कि हम उपज का आधा भाग लगान के रूप में नहीं देंगे और इस बात को जाकर मेवाड़ के महाराणा को बताओ और मेवाड़ का महाराणा इसका कोई सोल्यूशन निकालेगा। तो देखते हैं आखिरकार क्या हुआ, ये मैं लिख देता हूं आपके सामने। बिजोलिया किसान आंदोलन ध्यान से सुनना प्यारे छात्रों, बिजोलिया किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। देखो प्यारे छात्रों, 1897 से 1941 तक लगभग 44 वर्षों तक चलने वाला भारत का सबसे लंबा अहिंसात्मक आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन यानी इस आंदोलन में कोई हिंसा नहीं हुई। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा महाराणा फतेह सिंह थे, फतेह सिंह थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ का राजा कौन था, तो फतेह सिंह था। नानजी व ठाकरे पटेल के नेतृत्व में कुछ किसान एकत्रित होकर महाराणा फतेह सिंह के दरबार में पहुंचते हैं, मेवाड़ पहुंचते हैं, महाराणा फतेह सिंह से बोलते हैं कि हम उपज का आधा भाग लगान के रूप में नहीं दे सकते, हमारे पास इतनी इनकम नहीं है। आपको पता है मेवाड़ के महाराणा ने क्या जवाब दिया कि अगर नहीं दे सकते तो अपनी बेटी बहू को, अपनी बेटियों को बाजार में बेच के वो मूल्य अदा करो। किसानों ने कहा कि अब कुछ नहीं कहना है, हमारा जवाब हमें मिल गया और अब तो तू देख जियो कमा करवा काई, अब तो तू एक बात देख ले जो का आखिरकार ये किसान करेगा काई। और इसी बात से असंतोष प्राप्त होने के बाद सारे किसान आ गए और सारे किसानों ने कहा, सारे किसानों ने एकत्रित होकर आ गए और सारे किसानों ने, तो बिजोलिया किसान आंदोलन के आरंभ में नेतृत्व करता, आरंभ में नेतृत्व करता साधु सीताराम दास, सीताराम दास, बिजोलिया किसान आंदोलन के आरंभ में नेतृत्व करता साधु सीताराम दास थे, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन साधु सीताराम दास के नेतृत्व में जब तक आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन में ऐसी कोई तेजी नहीं आती थी और इस आंदोलन ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन नहीं बनाता। और यही बिजोलिया किसान आंदोलन एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बनेगा, वो कैसे बनेगा मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन साधु सीताराम दास इस आंदोलन के नेतृत्व करता है और मैं आपको बता दूं कि साधु सीताराम दास ने 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी, किसान पंच बोर्ड की स्थापना। तो किसान पंच बोर्ड की स्थापना साधु सीताराम दास ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है, जिसके तहत गांव गांव में पंच बोर्ड की स्थापना करके एक वहां सरपंच चुना जाता था, उनके नेतृत्व में यह आंदोलन जन जन तक पहुंचाया जा रहा था। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। प्यारे छात्रों, मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता देता हूं,
जो कि आप लोगों को ध्यान भी रखना है। देखो बिजोलिया के ठाकुर बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं हम। बिजोलिया किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन देखो सुनना बात ध्यान से। बिजोलिया के ठाकुर कृष्ण सिंह ने 1903 में चंवरी कर लगाया। आप कहोगे गुरुजी चंवरी कर क्या है, मैं बोलूंगा लड़की के विवाह पर पांच रुपए देने पड़ते थे। जब कोई भी किसान अपनी लड़की का विवाह करता था बिजोलिया या मेवाड़ के अंतर्गत, तो उस किसान को लड़की की डोली तब उठती थी, उस समय जागीरदार को कर के रूप में 5 रुपए देने पड़ते थे। 1903 में 5 रुपए बहुत बड़ी रकम थी, यानी लड़की का बाप लड़की का विवाह करता था, डोली नहीं उठती थी और पुनः बारात लौट जाती थी, यानी यह था एक अपमानित कर। एक बार एग्जाम में पूछा गया कि निम्न में से अपमानित कर कौन सा था, उस समय आंसर गया था चंवरी कर, इट इज अपमानित कर। लड़की का विवाह के समय लड़की के बाप को 5 रुपए देने पड़ते थे और लड़की का बाप 5 रुपए देने में असफल रहता था, ऐसा करता अपमानित कर। ऐसे करों से परेशान होकर बिजोलिया की धाकड़ जाति के द्वारा यह आंदोलन छेड़ा गया था जिसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। प्यारे छात्रों यही नहीं, आगे चलकर जब बिजोलिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह ने 1906 में लगाया उत्तराधिकारी कर, या इसको कह सकते हो आप तलवार बंधाई कर, कि जब नया राजकुमार बनेगा तो जनता को, किसानों को, यहां की प्रजा को सोने चांदी में तोलना पड़ेगा, सोने चांदी भेंट करना पड़ेगा, या उस समय राजा के समय जब नया राजा बनेगा उसे टैक्स देना पड़ेगा। वाह रे वाह, राजा बन रहे उसमें टैक्स दे रहे हैं, लड़की की शादी कर रहे उसमें भी 5 रुपए दे रहे हैं। ऐसे करों से परेशान होकर बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ किया गया, जो भारत का सबसे लंबा और अहिंसात्मक किसान आंदोलन था, गांधीवादी तरीके से चलने वाला यह भारत का प्रथम सफल आंदोलन था। प्यारे छात्रों अब मैं बात करता हूं आपसे कि आखिरकार बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था, साधु सीताराम दास के नेतृत्व में चल रहा था। इस आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर की ऐसी गति नहीं मिली, लेकिन ऐसी गति इस आंदोलन में जरूर मिलेगी। ध्यान सुनना, दो इंसान इस आंदोलन के दौरान की बात है, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय की बात है। इस आंदोलन के दौरान उत्तर भारत में नंबर एक राव गोपाल सिंह खरवा अजमेर, दूसरा भूप सिंह बुलंदशहर यूपी, इन दोनों के नेतृत्व में दोनों ने सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। अंग्रेजों के राज में दोनों ने सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। अंग्रेजों के काल में उत्तर भारत में ऐसी क्रांति करना चाह रहे थे, हाथों में हथियार रखकर अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति कर रहे थे, और ऐसी क्रांति का क्या हुआ, खुलासा। और जब ऐसी क्रांति का खुलासा हो गया तो इन दोनों को पकड़कर, ध्यान से सुनना, दोनों को पकड़कर टाटगढ़ जेल कहां है, अजमेर, टाटगढ़ जेल अजमेर में डाल दिया। भाई साहब वहां से फरार हो जाते रातों रात, फरार हो गए।
भूप सिंह फरार हो गए और फरार होकर पहुंचे चित्तौड़गढ़। ध्यान से सुनना, फरार होकर पहुंचे चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ का एक हिस्सा है या नहीं, है ना? और फरार होकर वहां चित्तौड़गढ़ पहुंच गए थे कौन? भूप सिंह। और उसी दौरान चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारणी सभा का आयोजन हो रहा था साधु सीताराम दास के नेतृत्व में। और साधु सीताराम दास के नेतृत्व में जब विद्या प्रचारणी सभा का आयोजन हो रहा था तो भूप सिंह वहां गुरुजी बनकर पहुंचे। विद्या प्रचारणी सभा में भूप सिंह जी ने अपने विचार व्यक्त किए, और इनके विचार व्यक्त किए तो इन विचार व्यक्त किए और इन विचारों को जब लोगों ने सुना, क्योंकि ये मूल रूप से अध्यापक नहीं है, ये क्रांतिकारी, उत्तर भारत का सशस्त्र क्रांतिकारी गतिविधियां। अरे रास बिहारी बोस और सच्चिदानंद सान्याल का नाम तुमने सुना होगा, ये उसी के साथी थे, ध्यान रखना। तो इन्होंने जब अपने विचार व्यक्त किए, इनके विचारों से प्रेरित हो गए भाई साहब साधु सीताराम दास। और साधु सीताराम दास ने जब इनके विचार सुने, और विचार सुन के साधु सीताराम दास जब घर गया तो उसे नींद नहीं आई कि मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, मेरे अंदर उसके विचार छा गए। और साधु सीताराम दास इनसे मिला और इनसे मिला और इनसे कहा कि आप बिजोलिया किसान आंदोलन को अपने हाथों में ले लो, क्योंकि तुम्हारे जैसे विचार, भूप सिंह की बात है, तुम्हारे जैसे, ये भूप सिंह वही विजय सिंह पति, देखना आप आगे, कि आपके जैसे विचार वाला व्यक्ति मुझे चाहिए और आपके विचार क्रांति ला सकते हैं। आपके विचार जनता या किसानों के हित को साबित कर सकते हैं। मैंने कहा आई एम नॉट क्रांतिकारी, आई एम टीचरकारी। हम क्रांतिकारी नहीं है, हम तो एक अध्यापक है भाई साहब। ऐसा बताया जाता है कि भूप सिंह जी के जीवन में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन थे। एक तो वो परिवर्तन था जब बिल्कुल ये बिना दाढ़ी के थे, और एक वो परिवर्तन था जब इन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली थी। तो साधु सीताराम दास ने इनका पता लगाया, और इनका पता लगाया तो साधु सीताराम दास ने ये पाया कि ये क्रांतिकारी जो जेल में से भाग गया। फिर साधु सीताराम दास गए उनके पास कि ये बताओ आप इस आंदोलन में आप आपकी भागीदारी देना चाहते या नहीं चाहते। उन्होंने कहा आई एम नॉट क्रांतिकारी। कौन बोल रहा? भूप सिंह जी बोल रहे हैं आई एम नॉट क्रांतिकारी, आई एम टीचरकारी। उन्हें खी कबाया तू कुणा मन पतो, तू टाड़गढ़ जेल से भाग गयो है ना, चित्तौड़गढ़ पुक्यो तू है ना, और फरार हो रहा हो ना, और तना नाम यार विजय सिंह पतिक रखाण दियो, जबकि तू हकीकत में भूप सिंह है। सब ना बता दूंगा और पाची जेड़ में बुझवा दूंगा, आंदोलन अपने हाथों में ले। तो विजय सिंह पतिक 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ा। तो ये तारीख आपको ध्यान रखनी है। इतने दिन का तो साधु सीताराम दास इस आंदोलन को चला रहा था, लेकिन विजय सिंह पतिक पहली बार इस आंदोलन से 1916 में जुड़ा, यह आपको ध्यान रखना है। बात करता हूं मैं विजय सिंह पतिक की। विजय सिंह पतिक भारत में किसान आंदोलन का जनक, भारत में किसान आंदोलन का जनक, भारत में किसान आंदोलन का जनक कौन है? विजय सिंह पतिक। विजय सिंह पतिक का जन्म, क्योंकि आपको सब कुछ ध्यान रखना है विजय सिंह पतिक के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। 24 मार्च हाँ, क्योंकि जन्म मृत्यु में से क्वेश्चन आए जाते हैं। 1873 को बुलंदशहर यूपी के जन्म, 24 मार्च 1873 को बुलंदशहर यूपी के गुडावली गांव में हुआ। ध्यान सुनना, 1916 में, या बात करते हैं
बचपन का नाम, बचपन का नाम भूप सिंह, भूप सिंह। विजय सिंह पथिक उत्तर भारत में, उत्तर भारत में रास बिहारी बोस उत्तर भारत में रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल के संपर्क में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े। उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों से रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल से ये जुड़े और पथिक ने वीर भारत समाज की स्थापना की। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वीर भारत समाज, तो वीर भारत समाज के संस्थापक भी कौन है? विजय सिंह पथिक, ये ध्यान रखना है आप। अब ये 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ चुके हैं और बिजोलिया किसान आंदोलन को देखना है किस गति से और किस तरीके से ये जागीरदारों और मेवाड़ के महाराणाओं को कैसे किसानों के लगान से मुक्त कराएंगे, ये प्रक्रिया देखना आप। देखो, पथिक ने अपने हाथों में आंदोलन लिया और पथिक ने 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की, बोर्ड की स्थापना, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की बिजोलिया में, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की और किस दिन की? आज के दिन ही की, हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की और ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना हरियाली अमावस्या के दिन की, श्रावण महीने में की, और ऊपर माल का डंका, ऊपर माल का डंका समाचार पत्र प्रकाशित करवाया, समाचार पत्र प्रकाशित। इन्होंने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करी जिसका प्रथम जो सरपंच था, प्रथम सरपंच, क्योंकि हर गांव में पंच बोर्ड का गठन करेगा प्रथम सरपंच मन्नालाल मीणा, याद रखना आपको मन्नालाल पटेल या मन्नालाल मीणा। पहले ऊपरमाल पंच बोर्ड का मतलब है किसान पंचायत, इनने किसान पंचायतों का गठन करना प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन में तेजी लाने के लिए हर गांव में जाकर, यानी कि ये किसान पंचायतों का गठन करेगा। ऐसा करते 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 इन्होंने सभी जगह किसान पंचायतों का गठन कर दिया और लोगों के अंदर ये भाव पैदा कर दिए कि किसी को भी लगान नहीं देना है, किसी को भी क्या नहीं देना है, लगान नहीं देना है। प्यारे छात्रों, आखिरकार इनकी मेहनत रंग लाई और पथिक ने 1919 में, ध्यान सुना, पथिक ने 1919 में, पथिक ने 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, राजस्थान सेवा संघ की, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की वृद्धा, और वृद्धा कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में इनके साथ कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, ध्यान रखना है, अर्जुन लाल सेठी, और कौन थे? राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी, और कौन थे? हरिभाव किंकर, हरिभाव किंकर, ध्यान रखना है आपको, राम नारायण चौधरी, हरिभाव किंकर और केसरी सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट। ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में ये सब इनके साथ थे। हालांकि राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय 1920 में अजमेर में स्थापित किया गया और इसी वृद्धा महाराष्ट्र से इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था, राजस्थान केसरी।
राजस्थान केसरी समाचार पत्र ही पहला राजस्थान के राजनीतिक समाचार पत्र माना जाता है, जिसमें राजस्थान के व्यक्तियों की भागीदारी थी। और इसी राजस्थान केसरी समाचार पत्र से बिजोलिया के किसानों पर हो रहे अत्याचारों को जन जन तक पहुंचाने में राजस्थान केसरी समाचार पत्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जो वृद्धा महाराष्ट्र से निकाला गया, बिजोलिया के किसानों पर हो रहे अत्याचारों को प्रकाशित किया गया। और जब समाचारों में प्रकाशित हो गया छात्रों, तो फिर अगर समाचारों में प्रकाशित हो गया तो यह बात तो दुनिया में सारे ही फैलेगी। और यह बात दुनिया में जब सारे ही फैलेगी तो बात सुनजो, ध्यान सुन, जब तक ये बात बिजोलिया में थी जब तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब ये बिजोलिया से बाहर वृद्धा महाराष्ट्र से ये चीज निकल गई तो मेरी बात सुनना। 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, और उस अधिवेशन में गांधी जी का ध्यान गया। सुनना बात ध्यान से, गांधी जी का ध्यान बिजोलिया की ओर आकर्षित हुआ, बिजोलिया की ओर गांधी जी का ध्यान गया। और गांधी जी ने, सुनना बात ध्यान से, और गांधी जी का जब ध्यान आकर्षित हुआ ना, तो गांधी जी ने इस आंदोलन में अपना योगदान दिया था। गांधी जी के मुख्य जो सचिव थे महादेव देसाई, इस महादेव देसाई को गांधी जी ने भेजा। ध्यान सुनना है, गांधी जी ने इस आंदोलन की जानकारी के लिए अपने निजी सचिव महादेव देसाई को भेजा कि जाओ पता लगा के आओ आखिरकार बिजोलिया में हो क्या रहा है, क्योंकि राजस्थान केसरी समाचार पत्र जो वृद्धा महाराष्ट्र से निकाला गया था, उस समाचार पत्र ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया, क्योंकि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया की जनता पर हो रहे अत्याचारों को उस आंदोलन प्रकाशित करवाया था। अरे चौरी कर, तलवार बंदाई कर, बेगार कर, और यहां पर लगाए जाने वाले 84 प्रकार के टैक्सों को उसमें प्रकाशित करवा दिया। यानी देखो, अगर जनता तक और जन जन तक अगर तुरंत किसी भी चीज को पहुंचाना है तो उसका एक ही माध्यम होता है, समाचार पत्र। हालांकि मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, और आप लोग इससे परिचित भी होंगे, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का एक 35वां अधिवेशन हो रहा था, और उस 35वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर पंजाब में हो रहा था। सुनना बात ध्यान से, कांग्रेस का 35वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर पंजाब में हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, 1919 की बात है, तो तिलक जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने एक प्रस्ताव रखा था बिजोलिया का, कि भाई बिजोलिया के किसानों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन मदन मोहन मालवीय ने इस बात का विरोध कर दिया था, तो कि भाई उनकी बात वो जाने, एक रियासत और किसानों के मध्य वहां का जागीरदार इस बात को निपटा लेगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिजोलिया की प्रजा पर हो रहे अत्याचारों को कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था, तो 35वें में रखा गया था, अमृतसर पंजाब में हो रहा था, पंडित नेहरू जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और पहला प्रस्ताव जो रखा था ये तिलक जी ने रखा था। लेकिन 1920 के नागपुर अधिवेशन में खुद महात्मा गांधी ने इसका संज्ञान लिया, और महात्मा गांधी ने बिजोलिया में हो रहे किसानों के अत्याचारों को अपने ध्यान में लिया, तो ब्रिटिश हुकूमत तक ये बात जा चुकी। इधर पथिक ने और खतरनाक काम कर दिया, पथिक ने तरुण राजस्थान, जिसका नाम आगे चलकर नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन करवाया ब्यावर से, और इसमें भी बिजोलिया पर हो रहे अत्याचारों को निकलवा दिया, राजस्थान केसरी में पहले ही निकला दिया, और ऊपर माल का डंका समाचार बता दिया, लेकिन समाचार पत्रों में तहलका मचा दिया। भाई साहब, ब्रिटिश हुकूमत ने महाराणा के द्वारा जो कर लगाए जा रहे थे, इन करों की जांच करने के लिए, ध्यान से सुनना,
इन करों का पता लगाने के लिए आयोग भेजा। अब अपन क्रम से लिख रहे हैं, देखो पहला आयोग आया, पहला आयोग, दो आयोग आएंगे यहां, और पिछले पटवारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला आयोग आया बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, बिजोलिया के किसानों का हाल जानने के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया 1919 में। सुनना बात ध्यान से, 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया, इसके सदस्य कौन थे आ जाता है, अमर सिंह, नंबर एक तो ये हो गया, नंबर दो ये हो गया, नंबर तीन हो गया, एक तो अमर सिंह नामक व्यक्ति था और एक इनके साथ आया था अफजल, अफजल, ये तीन व्यक्तियों के नेतृत्व में एक आयोग आया और किसानों के मध्य वार्ता की गई। जब किसानों के मध्य वार्ता की गई तो ऐसा बताया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि किसानों के और जागीरदार के बात बन गई थी और ज्यादातर कर ले लिए गए थे। लेकिन जैसे ही आयोग वापस गया, जैसे ही आयोग वापस गया, फिर जागीरदार और वहां के महाराणा ने वहां की प्रजा से कर लेना प्रारंभ कर दिया। फिर आखिरकार दूसरा आयोग फिर आया, दूसरा आयोग फिर आया, और अब की बार दूसरा आयोग आएगा 1922 के आसपास। और यह आयोग जो आया था यह आपको ध्यान रखना अच्छी तरह से, क्योंकि सॉरी दूसरा आयोग फिर आया, और दूसरा आयोग अब की बार जो आया उस आयोग में ज्यादातर बातें मानी जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि इस आयोग में आने वाले जो व्यक्ति थे, एक तो था राज सिंह बेदला, इनके नेतृत्व में आ रहा है, और रमाकांत मालवीय, ये नाम ध्यान रखने, रमाकांत मालवीय, पिछले पटवारी में पूछा गया था भैया क्वेश्चन न्याय बच्चों को ये कि दूसरे आयोग में आने वाला निम्न में से कौन सा सदस्य था, और तख्त सिंह मेहता, तख्त सिंह मेहता, आप दोनों आयोगों के सदस्यों को अपनी कॉपी में नोट कर लो, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग में अमर सिंह और अफजल और बिंदुलाल था, राज सिंह बेदला, रमाकांत मालवीय और तख्त सिंह मेहता, छह व्यक्ति आपको ध्यान रखने हैं, छह व्यक्ति इन आयोगों में आ चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से। दूसरा आयोग इनके नेतृत्व में आया था और 1922 में भारत सरकार ने, 1922 में बिजोलिया में हो रहे अत्याचारों को देखने के लिए 1922 में भारत सरकार ने एजेजी रॉबर्ट हॉलैंड को भेजा कि जा भैया। तो एजेजी रॉबर्ट हॉलैंड आए और रॉबर्ट हॉलैंड ने क्या किया, जो 84 प्रकार के कर थे उनमें से बड़े बड़े 35 करों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के बाद, समाप्त तो हो गया, समाप्त करने के बाद यानी 1927 में पतक जी ने समझा कि आंदोलन तो लगभग पूर्ण हो चुका, तो 1900 पतिक जी आंदोलन से अलग। और जब आंदोलन से अलग हुए तो क्यों हुए, क्योंकि पतिक जी पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया, देशद्रोह का आरोप लगाया गया, और देशद्रोह का आरोप लगाकर इनको 4 वर्ष जेल में बंद कर दिया। और जब 4 वर्ष इनको जेल में बंद कर दिया तो उसी के दौरान इस आंदोलन को अपने हाथों में जिस व्यक्ति ने लिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, माणिक्यलाल वर्मा आगे भाई सब। और माणिक्यलाल वर्मा ने इस आंदोलन को अपने हाथों में लिया, और माणिक्यलाल वर्मा ने जब इस आंदोलन को अपने हाथों में लिया और हाथों में लेने के बाद क्या हुआ, मेवाड़ के पीएम सर टी विजय राघवचार्य और मेवाड़ के नेता माणिक्यलाल वर्मा के मध्य 1941 में समझौता हुआ और बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त किया गया। इस आंदोलन में तुलसी भील
तुलसी भील नामक महिला ने संदेश वाहक का काम किया। अगर आपसे पूछे कि संदेश वाहक का काम, तुलसी भील नामक महिला ने गांव-गांव जाकर संदेश दिया इस आंदोलन में। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन था, मैं आपको बता दूं। और पथिक जी पर देशद्रोह का आरोप लगाया, और इसी आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा ने पंछड़ा नामक गीत लिखा था। अब एग्जाम में आ जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला, तो बिजोलिया किसान आंदोलन तीन चरणों में चला, ये आपको ध्यान रखना है। तीन चरण कौन कौन से हैं? 1897 से 1916, 1916 से 27 और 1947 से 1941। 1916 तक साधु सीताराम दास ने इसको संभाला, है ना। फिर इसमें पथिक जी आके जुड़ गए, और फिर माणिक्यलाल वर्मा ने ये आंदोलन अपने हाथों में ले लिया था। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे लंबा और अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में तेजी पैदा करने वाले विजय सिंह पथिक थे। विजय सिंह पथिक ने सबकी सहायता ली, और समाचार पत्रों से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया की जनता पर हो रहे अत्याचारों को प्रकाशित करवाया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ज्यादातर समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुए थे, तो वो हुए थे अजमेर से हुए थे। कहां से हुए थे? अजमेर से हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की ओर जो क्लास आएगी वो आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।